तो निशान भाई एक बात बताओ कि पूरे दिन बैठ के कोड ही कर रहे होते हैं क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, या फिर लाइक पूरे दिन मीटिंग्स में ही बैठे रहते हैं? हायरार्की क्या होती है, टास्क क्या मिलते हैं, डीएसए यूज होता है नहीं होता है, स्टैक और फ्लो से कॉपी पेस्ट करके काम चलता है नहीं चलता है, ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं नहीं जाते हैं, बिजनेस ट्रिप्स होती है नहीं होती, और लाइक ऑफिस में लाइक सीन क्या रहता है? तो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो आई एम निशान चारा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये सारे डाउट्स मैं तुम्हारे आज क्लियर करने वाला हूँ। मेरे को हो गया है ऑलमोस्ट 1 साल, तो सारी चीज़ें देखी हैं ऑफिस में कैसे काम होता है, ठीक है, एंड इसके अलावा घर पे जब काम कर रहे थे तो क्या सीन था, सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो बिना से किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार क्या पूरे टाइम बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड करते रहते हैं क्या, या फिर मतलब थोड़ा चिल विल भी करते हैं? ये भी डाउट पक्का सबके पास होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत खेलते वेलते हैं, घूमते घूमते हैं, तुमने मेरे को ही देखा होगा, काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, चिल करता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है, बस बैठ के कोड करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। एंड मेरे मैनेजर खुद टीटी खेलते हैं भाई, काफ़ी फन और काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, तो काफ़ी लाइक अच्छे होते हैं। ऐसा वो जो नर्ड वाली जो होती है ना तुम्हारे दिमाग में आइडिया, मेरे दिमाग में भी होता था, वैसा नहीं होता है। अब यार पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि यार जो 8-9 घंटे के जो जॉब होती है उसमें पूरे टाइम कोड करना होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी सारे जो तुम्हें टास्क मिलते हैं, काफ़ी सारे हमें प्लानिंग चाहिए होती है, डिज़ाइन चाहिए होता है, डिज़ाइन रिव्यू चाहिए होता है, डिज़ाइन डॉक्स वगैरह बनते हैं, एंड उसके बाद फाइनली तुम जाके उसको कोड कर रहे होते हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक नया फीचर मिलता है तुम्हें, तो नया फीचर मिलने से पहले उसका पूरा एक डिज़ाइन डॉक प्रिपेयर होता है, उससे पहले रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ें प्रिपेयर होते हैं जो तुम्हारे पीएम बना रहे होते हैं कि व्हाई वी नीड दिस फीचर, इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैसे क्या फ्लो होगा, वो सारा तुम्हें मिलता है। फिर वो डेवलपर्स को मिलता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मिलता है, वो उसमें जाके पढ़ते हैं कि अच्छा ये ऐसे है, ऐसे है, कुछ डाउट्स होते हैं वो डाउट्स पूछते हैं, एंड ऐसे 2-3 मीटिंग्स होती हैं, फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फुलफिल नहीं कर सकते, ये चीज़ तो नहीं हो सकती, प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी एक अलग रीजन है, तो वो तुम पीएम्स के साथ डिस्कस करते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो डिजाइन टीम होती है, डिजाइन टीम पूरा अपना वो फीचर प्रिपेयर करके रखता है, ठीक है। अगर तुम लाइक वेब ऐप या फिर लाइक मोबाइल कुछ भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ बना रहे हो तो एक डिज़ाइन टीम अलग से होती है, क्योंकि यूआई का आइडिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो सबको पता है। तो डिज़ाइन टीम तुम्हें पूरा बना के देती है, यू जस्ट हैव टू रेप्लीकेट दैट यूजिंग कोड, तो ये पूरा सीन होता है। तो ऐसी चीजें वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट चीज आती है डीएसए कितना ज्यादा यूज हो रहा होता है। ऑनेस्टली डीएसए डिपेंड करता है तुम किस चीज पे काम कर रहे हो। अगर तुम बैकएंड पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा यूज हो रहे होंगे, अगर तुम फ्रंट एंड पे सिर्फ काम कर रहे हो तो इतना ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज हो रहे होंगे, एंड ऐसे ही चीजों पर डिपेंड करता रहता है। कोई लोग सर्विसेज पे काम कर रहे होते हैं, कोई लोग बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, कोई लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं, एंड ये रोल्स ना फिक्स नहीं होते। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह लाइक हायर किया है तो तुम्हें कोई भी टास्क दिया जा सकता है, तुम्हें कुछ टाइम देंगे टू लर्न दोज थिंग्स। जैसे मैंने iOS जिंदगी में कभी नहीं करी थी, मेरे को पता भी नहीं था भाई एग्जैक्टली चीजें कैसे चलती है, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, सुना था स्विफ्ट यूज होती है बट कभी पढ़ी नहीं थी। सो आई गॉट टाइम कि 1 महीना 15 दिन अच्छे से एक बार देखो कैसे चीजें वर्क करती है, कोड बेस से फेमिलियर हो जाओ एंड स्विफ्ट के बेसिक सीख लो, देन दे स्टार्टेड गिविंग मी बग्स एंड फीचर्स वगैरह। तो ऐसी चीजें वर्क करती है, ऐसा नहीं होता कि तुम डे 1 में आओगे तुम्हें ऐसी कोई चीज पहले से आती होगी तुम्हें बोल देंगे ये कर दो जल्दी से, नहीं होता। तुम्हें प्रॉपर टाइम दिया जाता है, प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है, जो आसपास लोग होते हैं काफी ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, तुमसे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तुम अपने टीममेट से पूछ लेते हो, वो तुम्हें बता देते हैं, ठीक है, बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, तो काफी चल। अब भैया टाइमिंग्स का क्या सीन होता है कि यार पूरे दिन 9 to 5 वाली जॉब है, 10 to 6 वाली जॉब है, कि ऐसा ही होता है क्या, एंड कितने घंटे काम करना होता है? तो देखो एक सीधे सीधे सिंपल फैक्ट है कि अगर तुम कहीं पे काम कर रहे हो तो तुम्हें भूख भी लगेगी, ठीक है, तुम कहीं वहाँ जाओगे आने जाने में टाइम भी लगेगा, इसके अलावा मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, तुम बीच में कॉफी ब्रेक्स भी लेते हो, तो थोड़ा बहुत घूमने चले जाते हो, खेलने चले जाते हो, तो ये सारा टाइम एडजस्ट हो रहा होता है वहाँ पे। इसके अलावा एग्जैक्टली तुम कोड कितना कर रहे होते डिपेंड करता है कि उस मंथ में या उस वीक में तुम्हें कितना ज़्यादा टास्क गिवन है एंड कितना ज़्यादा तुम्हें टाइम लग रहा है पर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ भी ऐसा होता है कि तुम 1 आवर पूरे दिन में कोड कर रहे होते हो, ठीक है, एक दिन में 1 आवर कोड करके तुम्हारा जो कोडिंग वाला पार्ट है वो पूरा हो जाता है, तुम उसके बाद नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, नए बग को समझ रहे हो कि यार इसमें क्या चीज़ हो रही है, कैसे करना है, एंड कुछ कुछ दिनों में तुम्हें पूरा पूरा दिन भी काम करना पड़ सकता है 8-9 घंटे टाइप्स, बट वो वाले दिन थोड़े कम होते हैं, ठीक है, एंड वो डिपेंड करता है तुम कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। और तुम स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स काफी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं, टास्क जल्दी जल्दी तुम्हें मिलते रहते हैं, तो उस केस में जो तुम्हारा मतलब ये फ्री वाला टाइम है वो थोड़ा 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 कम होता रहता है। बट अगर तुम बिग एमएनसीज की बात करो, चाहे वो अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इनमें थोड़ा थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट होता है बिकॉज दे हैव टाइम, दे हैव मनी, तो तुम आराम से चीज़ों को सीख सकते हो, आराम से चीज़ों को वर्क कर सकते हो, एंड
तो हमने सारे टास्क वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज है फ्रॉम cryo.do। अब cryo.do क्या है यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, तुम प्रोजेक्ट्स करने से नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह सीख रहे होते हो। अब यार क्रायो वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करेगा फुल स्टैक एंड बैक एंड जॉब्स क्रैक करने में विद योर ड्रीम CTCs फ्रॉम 6 to 40 lakh रुपीज। यार विद 3,000+ लर्नर्स एंड 500+ ग्रेड्स प्लेस्ड इन ग्लोबल MNCs, यूनिकॉर्न्स एंड हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स लाइक Amazon, Grow, Cred, Flipkart, Paytm, Cryo के जो grads हैं उनको यार एटलीस्ट 89% हाइक मिल रही होती है ऑन एन एवरेज। क्रायो में यार तुम एक डेवलपमेंट ऐसे एग्जैक्टली सीख रहे होगे जैसे तुम एक फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे होते हो। ठीक है, अब तुम कोई भी एक जब स्टैक चूज करोगे, चाहे फुल स्टैक हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसके बाद तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने से तुम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट गारंटी भी है, तुम एक अच्छे स्टार्टअप में एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। एंड यार एक अमेजिंग बात ये भी है कि तुम इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे एंड यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं रिक्रूटर्स को भी एंड तुम्हारी जो गिटहब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी। यार यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट 10% ऑफ, उसके साथ कुछ फ्रीबीज वगैरह भी है वो तुम्हें सारे मिल रहे होंगे। ठीक है, वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जाके जरूर रजिस्टर कर देना। ठीक है, बस तुम अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, मतलब जो सबको जानना होता है कि यार ट्रिप्स वगैरह का सीन होता है, कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, पार्टीज होती रहती हैं, तो हाँ ठीक है, अभी मैं रिसेंटली गोवा ट्रिप पे गया था जिसका व्लॉग काफी जल्दी तुम्हें मिल जाएगा, तो वो बिजनेस ट्रिप होती है। ठीक है, अब वो क्या थी, आउटबाउंड ट्रेनिंग थी, बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें अच्छे से उस वाली वीडियो में बता रहा, तो दैट इज कंपनी स्पॉन्सर्ड, तुम्हारा रहना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा वहां जाना सब कुछ स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी होता है। इसके अलावा काफी ज्यादा और ट्रिप्स भी होती रहती है, जैसे एक ऑफ साइट होता है, इसके लिए मैं हैदराबाद आया था, वो ऑफिस में हुई थी जनरली, बट वो किसी अलग लोकेशन पे होती है एंड वो भी सारा सेम ही सीन होता है। तो ऐसे काफी सारे ट्रिप्स होते रहते हैं। इंटरनेशनल ट्रिप्स जो तुम्हारी होती है वो डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे, कि जिस प्रोडक्ट पे तुम काम कर रहे हो क्या वो इंटरनेशनली लोकेटेड है या फिर मतलब उनको वहां जाने की जरूरत है कि नहीं है, वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, बट ये वाली सारी ट्रिप्स होती रहती है काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली। अब हायरार्की एग्जैक्टली क्या होती है, तो यार हायरार्की ना एक तरीके से तुम्हारा ट्री स्ट्रक्चर की तरह होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स हर जगह यूज हो रहे होते हैं, यहाँ पे ट्री हायरार्की टाइप होती है कि जो तुम्हारा सीईओ है, सीटीओ सब एक ऊपर लेवल पे, उसके बाद नीचे 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 लेवल आते रहते हैं। बेसिकली लास्ट जो तुम्हारे नोड्स होते हैं ना, वो तुम्हारे आईसीज होते हैं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं, वो तुम्हारे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर वाले की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं तुम्हारे SG1, 2, 3, वो सारे ICs होते हैं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, उनके ऊपर मैनेजर्स होते हैं जो उनको मैनेज कर रहे होते हैं, उनको टास्क दे रहे होते हैं एंड बाकी सारी चीजें हैंडल कर रहे होते हैं एंड उनके ऊपर फिर उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके मैनेजर के ऊपर उनके मैनेजर होते हैं, ऐसे हायरार्की पहुंचती जाती है तुम्हारे सीईओ लेवल तक। एंड जो मैनेजर्स की बहुत बेकार इमेज बनाई रखी होती है ना कि यार वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं मैनेजर्स, तुम्हारी हर मंथ 1-on-1 मीटिंग्स होती रहती है, अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तुम्हें काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, बोल सकते हो कि यार आई एम नॉट लाइकिंग दिस वर्क या फिर ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, एंड दे विल हेल्प यू लाइक सॉर्ट दैट आउट। तो काफी अच्छे होते हैं लोग, ठीक है, ये बिल्कुल मिथ होता है कि अच्छे नहीं होते, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन द टीम, टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है, बट जनरलाइज्ड अगर मैं बोलूं 80-90% काफी अच्छे होते हैं। तो यार एग्जैक्टली काम क्या हो रहा होता है, तो तुम्हें मल्टीपल चीजें दे रखी होती हैं साइड बाय साइड, ठीक है, तुम किसी एक फीचर पे काम कर रहे हो सकते हो, उसके बाद तुम्हें कुछ बग्स वगैरह दे सकते हैं, उसके अलावा तुम ऑन कॉल भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें तुम्हारी साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें एक फीचर दे देंगे तो बस उस पर काम करते रहो, तुम्हें अपनी बैंडविड्थ को डिवाइड करके रखना होता है कि यार मैं इतने टाइम इस वाले टास्क को दूंगा, इतना टाइम इस वाले टास्क को दूंगा, एंड फाइनली तुम्हें सारी चीजें डिलीवर करनी होती हैं। अब MNCs और स्टार्टअप्स में एक थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे ना थोड़े रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं, तो टास्क डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक बंदे पर बहुत ज्यादा टास्क नहीं आ रहे होते हैं एंड थोड़ा आराम से तुम चीजें कर पाते हो, बट जब स्टार्टअप एनवायरमेंट की बात करते हो तो स्टार्टअप्स में ना लोग थोड़े लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनको क्या करना होता है, नेक्स्ट राउंड की फंडिंग उठानी होती है एज सून एज पॉसिबल, तो उन्हें टास्क काफी जल्दी 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 करने ही पड़ते हैं। तो उस केस में तुम्हें तुम्हारी जो लर्निंग्स होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, मतलब हो सकता है तुम एक ही टाइम पे फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम कर रहे हो, सकता है तुम सर्विसेज पे भी काम कर रहे हो, तुम क्लाउड पे भी काम कर रहे हो, तुम सारी चीजों पे एक साथ काम कर रहे हो, बट हाँ वो ओवरबर्डन भी हो सकता है तुम्हारे लिए, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो कैसे इन चीजों को लाइक लेता है। अब काम जो मैंने बताया तुम्हें ये काम होता है, अब एक टास्क जो तुम्हें मिलता है वो कैसे लाइक वर्क कर रहा होता है, अब उसमें काफी ज्यादा डिजाइनिंग काफी ज्यादा प्लानिंग चल रही होती है, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब करने के बाद उसके बाद तुम्हारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारी मीटिंग्स करने के बाद तुम किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हो, तुम्हारे कुछ डाउट्स होते हैं, तुम पूछ रहे होते हो प्रोग्राम मैनेजर से या फिर तुम्हारे डिजाइनर से। अब प्रोग्राम मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर तुम्हारे वो होते हैं जो एक फीचर को या फिर एक प्रोडक्ट ओन कर रहे होते हैं, कि उनकी ओनरशिप है कि यार इस पे नई नई चीजें हमें ऐड करते जाना है, इस पे ये काम करना है, एंड वो एक लाइक लिंक होता है बिटवीन तुम्हारा डिजाइन
डिजाइन टीम एंड तुम्हारा इंजीनियरिंग टीम। अगर तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर के बारे में थोड़ा और जानना है तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ी एक डिटेल्ड वीडियो तुम्हारे लिए बना दूंगा पक्का पक्का। पर एक सबसे अमेजिंग सबसे अच्छी बात यह होती है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती है, ठीक है। कुछ लोगों को रात को काम करना पसंद होता है, वर्क फ्रॉम होम में वो काफी ज्यादा ईजी था, ऑफिस टाइमिंग्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम ऑफिस के टाइम पे भी तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि आज तुम्हारा मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, ट्रैवल करने का, तुम बोल सकते हो यार आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आज मैं घर से ही काम कर लेता हूँ। इसके अलावा जब तुम ऑफिस जाते हो तो भी ऐसा नहीं होता कि तुम्हें 9 to 5 ही उस वाले स्लॉट में बैठे रहना है। हो सकता है तुम थोड़ा लेट आओ, थोड़ा लेट जा सकते हो, थोड़ा लेट आओ कई बार जल्दी भी जा सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारे कितने ज्यादा टास्क है, तुम्हें अपने टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो टाइमिंग्स ना काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि ऐसे फिक्स्ड रिजिड शेड्यूल नहीं होता कि तुम 9 o'clock आओगे, अपना आई कार्ड लगाओगे और जब तुम्हारे उसके बाद 5 o'clock जब जाओगे तो आई कार्ड लगा के निकलना पड़ेगा। कुछ कंपनीज में होता है बट 90% ऑफ द 99% ऑफ द कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। सर इतना ही था आज वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तक नहीं किया है। तो आगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, जो तो गोवा वाली ट्रिप हुई थी ऑफिस ट्रिप, उसके बारे में वीडियो काफी जल्दी आएगी। इसके अलावा यार फ्लैट में मूव इन भी करना, उसके लिए भी काफी ज्यादा वीडियोस आने वाली हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं लाइफ में, सबके बारे में तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।